लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई के सानपाड़ा पांबे सोसाइटी में आज कोविड वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया, जहां सानपाड़ा एवं आसपास के 500 नागरिकों ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। इस अवसर पर पांबे वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कपूर और हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील एडवोकेट रमेश त्रिपाठी खास तौर पर मौजूद थे। उन्होंने टीका लगवाने वाले नागरिकों को सर्टिफिकेट देकर हौसला बढ़ाया। आयोजकों ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए सबका वैक्सीनेशन जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना महामारी को रोकने नवी मुंबई महानगर पालिका ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। आज इस अभियान के तहत सानपाड़ा के जयपुरियर स्कूल में पेड वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। एनईसीटी और फोर्टिस हॉस्पिटल की मदद से आयोजित इस टीका कैंप में 500 से अधिक नागरिकों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। सोसाइटी के चेयरमैन संजय कपूर ने मनपा आयुक्त को निवेदन देकर सोसाइटी में वैक्सीनेशन की मांग की थी, जिनकी मंजूरी के बाद यह कैंप लगाया गया। मनपा और फोर्टिस हॉस्पिटल का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि सोसाइटी के नागरिकों को कोरोना से बचाने के मकसद से हमने यह कैंप लगाया, जो उपयोगी साबित हुआ। वहीं वरिष्ठ वकील एडवोकेट रमेश त्रिपाठी ने वैक्सीनेशन कैंप को जरूरी बताते हुए सभी आयोजकों का आभार जताया। 18 प्लस को वैक्सीन कहीं मिल नहीं रही थी, खाली 45 प्लस को वैक्सीन मिल रही थी, और हम ये चाहते थे कि हमारे ये जो सानपाड़ा का नोड है, सानपाड़ा का एरिया है, उसको हम लोग पूरा सब लोग वैक्सीन ले, इसके लिए हम लोग ने एक कैंप तैयार किया था। इससे हम लोगों ने सब बिल्डिंग में वेरिफिकेशन किया था कि किनका वैक्सीन बाकी है। मैं चाहता हूं कि भी यहां पे हमारे एरिया में कोई भी एक भी शख्स, भले वो बिल्डिंग में रहता है, टावर में रहता है, हाउसकीपिंग वाला है, मेड है, ड्राइवर है, या सिक्योरिटी वाला है, कोई भी वैक्सीन से छूटे नहीं। और यही इसी काम के लिए हम लोग ने 2 दिन का इधर कैंप लिया था, और काफ़ी पब्लिक ने यहाँ पे हमारे जो पाम बीच के लोग हैं और सानपाड़ा पाम बीच वेलफेयर एसोसिएशन है, काफ़ी लोगों ने आगे आके हम लोग को प्रोत्साहित किया है। हम लोग एक और कैंप तैयार करेंगे, जो यहाँ के लोग जो हैं वो सेकेंड डोज भी अपने ही वार्ड में ले, अपने ही एरिया में ले। हम भी रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से यहाँ के लोग इस वैक्सीनेशन से वंचित न रह जाएं, वैक्सीनेशन ड्राइव किया गया। आज तीसरा कैंप चालू है, कल इसी जगह पर लगभग 650 से 700 लोगों ने लिया। कि लोगों से आह्वान करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जरूर वैक्सीनेशन कराएं। सानपाड़ा पाम बीच वेलफेयर एसोसिएशन के लिए आयोजित टीका केंद्र को सपोर्ट करने आए जयपुरियर स्कूल के संचालक नवनीत जयपुरियर, कांग्रेस नेता नासिर हुसैन समेत अन्य सहयोगियों ने भी कोविड वैक्सीनेशन कैंप को नागरिकों की सुरक्षा के लिए अच्छी पहल बताया और उसकी सराहना की। मुसलसल इनके मेहनत का मैं तारीफ भी करता हूं, संजय कपूर जी का। पिछले लास्ट 1 मंथ से मुसलसल लगे हैं कि किस तरह मैं अपने लोगों को वैक्सीन से इस कोरोना से बचाऊं और कैसे कंप्लीट करूं, इसके लिए जितनी तारीफ की जाए कम है। कोई शासकीय पद पे नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान इनके साथ है और यहाँ के लोगों का कोऑपरेशन बना रहे, और मैं शुभकामना देता हूँ। कपूर जी हैं जो हमें पहली बार इन्होंने अप्रोच किया, इनका जो प्रयास है वो रंग लाया, क्योंकि इस तरह की कैंप लगने चाहिए। अगर जल्द से जल्द आपको वैक्सीनेट करना है सारे लोगों को, तो इस तरह का कैंप हर जगह लगना चाहिए, और इन्होंने ज़बरदस्त प्रयास किया। आज कम से कम 1000 लोगों को वैक्सीनेशन 2 दिन में दिया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम धन्यवाद देंगे इनको और इनके पूरे कमेटी को, इनके पूरे टीम को, जिन्होंने बहुत व्यवस्थित रूप से, बहुत मैनेज्ड वे में इस कैंप को नियोजित किया है और एक सफलता का रूप भी दिया है। वो सारा श्रेय संजय जी कपूर जी को और उनके जो पाम बीच वेलफेयर एसोसिएशन है वो देना चाहता हूँ मैं। और मैं चाहता हूँ कि मेरे एरिया के जो सानपाड़ा का वार्ड जो 78 है वो, और आजू बाजू का 77 का भी लोग है, वो हमारे ही लोग है, और सब लोग अपने तंदुरुस्त बने रहे, वैक्सीनेशन लेके किसी के ये बीमारी ख़त्म करना चाहता है। जैसा भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता जी राहुल गांधी जी ने बोला है कि पूरा देश वैक्सीनेशन मतलब कोविड फ्री होना चाहिए, कि हमारा ये परिवार, हमारा जो वार्ड स्वस्थ और सुंदर रहे।
रहे। और मैं संजय कपूर जी को आज्ञा में कामना देता हूँ, शुक्रिया, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको शुभकामना देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।